हेलो डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन सुविधा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक फिर से नया लेटेस्ट जॉब्स रिलेटेड वीडियो लेकर के आया हूँ। आज मेरा गला ख़राब है दोस्तों, माइंड मत करिएगा। सबसे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो आने वाले सभी वीडियो है उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों। तो चलिए हम मेन मुद्दे पर आते हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो टेक्निकल कुंदन के नाम से है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको जॉब से रिलेटेड और टेक्निकल नॉलेज और कंप्यूटर से रिलेटेड आपको सारे वीडियोज मिलते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमारा जो लेटेस्ट न्यूज है वो बिहार LRC अमीन क्लर्क रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं, इसके लिए एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन दे दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसके बारे में कुछ आपको बता दूँ, थोड़ा बहुत डिटेल्स जो भी दिखाया जा रहा है सर्वर पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 2506 सीट यानी 2506 सीटों के लिए आवेदन लिया जा रहा है, जिसमें बिहार LRC के लिए थ्रू से रिक्वायरमेंट है, जिसमें अमीन और क्लर्क के पद पर आपसे आवेदन लिया जा रहा है। दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं, इसमें जो है अमीन के लिए 1944 सीट, क्लर्क के लिए 226 सीट और कानूनगो के लिए 240 सीट और असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के लिए 96 सीट। तो इस एक पद बाद में जोड़ा गया है, स्टार्टिंग में एक पद नहीं दिखा रहा था सेटलमेंट ऑफिसर, और इसके लिए शायद रोक के रखा होगा। आप देख सकते हैं कि अमीन के 6300 समेत 7823 पदों पर संविदा पर होगी बहाली। कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें एक पेपर कटिंग दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। नीचे आइए, देख सकते हैं क्लर्क के लिए जो है कैंडिडेट के पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अमीन के लिए कैंडिडेट के पास कम से कम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किसी भी बोर्ड या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। कानूनगो के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखा गया है अभी ये डिसाइड नहीं है, नॉट एप्लीकेबल दे रहा है। एज आप देख सकते हैं 18 से 37 कानूनगो और अमीन के लिए, और क्लर्क के और असिस्टेंट और सेटलमेंट ऑफिसर के लिए 21 से 27 साल रखा गया है। इसके लिए जो वेबसाइट है देख सकते हैं आप, www.dlrs.bihar.gov.in पे जा कर के सारी डिटेल्स देख सकते हैं। सैलरी डिटेल जो रखा गया है वो क्लर्क के लिए 25,000, अमीन के लिए 31,000, कानूनगो के लिए 36,000 और असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के लिए 59,000 इसका सैलरी रखा गया है। एप्लीकेशन जो स्टार्ट है 27/9 का डेट दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पे जो लिंक है अभी तक लिंक एक्टिव 22 लिख रहा है, इस पर आप क्लिक करिएगा तो आपको इस तरह का इसका होम पेज खुलेगा, लेकिन अभी तक इस पर जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन के लिए जो है लिंक एक्टिव नहीं किया गया। दोस्तों जैसे लिंक एक्टिव होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे दोस्तों वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अभी तक जो जानकारी उपलब्ध थी वो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।